हेलो स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है कला हांडी पोएम रिटर्न बाय जगन्नाथ प्रसाद दास हम इस पोएम की समरी करेंगे सो लेट स्टार्ट समरी ऑफ द पोएम कला हांडी कला हांडी इज़ अ वेरी टचिंग पोएम दैट डिपिक्ट्स द हार्ट रेंडिंग पिक्चर ऑफ एब्जेक्ट पावर्टी स्टावेशन एंड मिजरी ऑफ द फैमिन स्ट्रिकन पीपल ऑफ़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कला इन 1966 सिक्सटी दिल को छू लेने वाली कविता है जो कि 1966 में कला के अकाल पीड़ित लोगों की बहुत ज़्यादा गरीबी भूखमरी और दूरदशा की दुखदाई तस्वीर दिखाती है कला इज़ अ वेरी टचिंग पॉइंट इट वुड शेक द कंसाइंस ऑफ एनी रीडर टू द बन्स यह पोईम किसी भी रीडर की आत्मा को गहरे रूप में हिला सकती है इट गिव्स एन एगोनाइजिंग पिक्चर ऑफ अ नेचुरल क्लैमिटी कोज बाय ड्रॉट एंड फैमिन यह सूखा और अकाल की कुदरती परेशानियों की कष्टदाई तस्वीर जो है उसे पेश करती है इट वुड शेक द कंसाइंस ऑफ एनी रीडर टू द बोन्स नेक्स्ट इज़ द नेचुरल क्लैमिटी इज़ फर्दर हाइटेंड बाई ह्यूमन इनडिफरेंस ग्रोस मिसमैनेजमेंट एंड एन एबसेंस ऑफ रियल एम्पथी एंड फैलो प्राकृतिक परेशानियों में मनुष्य की विमुखता अव्यवस्था और जो साथ के जो मनुष्य हैं उनके प्रति सच्ची सहानुभूति ना होने के कारण और भी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाती हैं जिसकी इस तरह की परेशानियों में बहुत ज़रूरत होती है इट मीन्स लोगों का साथ द पोएम ओपन्स विद एन एंग्री इम्पेरेटिव स्टेटमेंट सेंग दैट कला हांडी इज़ अ वेल नॉन प्रोमिनेंट ब्लैक स्पॉट ऑन द कंट्रीज मैप यह कविता एक गुस्से से भरी जोर के साथ कही गई बात के साथ शुरू होती है कि कला हांडी देश के नक्शे पे मशहूर और आसानी के साथ नज़र आ जाने वाला एक काला धब्बा है यानी कि ये जो पोएम है इट स्टार्ट्स विद एन एंगर एंगर के साथ स्टार्ट हो रही है इट नीड्स नो साइड प्लान एयर रूट और रोड मैप टू लोकेट दिस अनफॉर्चुनेट सिटी इट इज़ अ फ्राइटनिंग पिक्चर ऑफ वेस्ट लैंड विद नो ग्रीनरी ट्रीज और लीव्स इस शहर को ढूंढने के लिए किसी भी प्लान की ज़रूरत नहीं है हवाई मार्ग की ज़रूरत नहीं है सड़क के नक्शों की ज़रूरत नहीं है इवन ये एक ऐसी धरती है जहाँ की तस्वीर इतनी भयानक है कि वहाँ पर कोई हरियाली नहीं है पेड़ नहीं है पत्ते नहीं हैं इसलिए वो बोल रहे हैं कि एक ऐसी हमारे मैप पे एक काला धब्बा छा गया है इस जगह को लेकर ब्रोकन एंड क्रैक्ड ड्राई पास्ट लैंड्स सफरिंग द टेरेबल इम्पैक्ट ओफ़र डेथ डीलिंग ड्रॉट स्टेयर यू इन द फेस इट मीन्स कि वहाँ की जो सड़कें हैं वो टूट चुकी हैं ब्रोकन हो चुकी हैं बहुत वहाँ पर बारिश नहीं है पानी नहीं है बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है तो वो उस सारा जो एक फेस है वो हमें दिखाई दे रहा है ब्रोकन एंड क्रैक्ड ड्राई पास लैंडस सफरिंग द टेरेबल इम्पैक्ट ओवर डेथ डीलिंग drought स्टेयर यू इन द फेस The continued absence of rains, कंटिन्यूसली बारिश नहीं हो रही है has नॉट ओनली dried द रिवर beds, सिर्फ उन्होंने बारिश ना होने की वजह से सिर्फ रिवर जो है वो नहीं सूखी पड़ी है, बट ऑल्सो बर्न द sands ऑन द ड्राई रिवर beds, इवन जो रेत है वो भी जल गई है the poor inhabitants हैव बिन फर्दर pushed डाउन द क्वैगमायर ऑफ पावर्टी और जो गरीब लोग हैं वो गरीबी में और ज़्यादा धंस चुके हैं कि वहाँ पर पानी नहीं है कुछ भी नहीं है पेड़ पौधे नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है विथ संकन आइज एंड फ्रेल बॉडीज़ दी स्टेप सन्स ऑफ फॉर्च्यून हैव नो क्लोथ टू कवर देयर हाफ नेट बॉडीज़ संकन आइज़ और जिनकी बॉडीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं उनके पास अपनी जो बॉडी है उसको भी ढकने के लिए क्लोथ्स नहीं हैं इतना ज़्यादा उनका बुरा हाल हो गया है दीज मूविंग स्केलेटन्स हैव बीन फोर्स टू बैक फॉर आर्म्स एंड सेल देयर यूटेंसिल्स टू कीप द वॉल्फ अवे फ्रॉम द डोर्स ऑफ देयर ब्रोकन अनथैस्ड हर्ट्स वहाँ पर इतनी ज़्यादा गरीबी हो चुकी है कि जो लोग इतने ज़्यादा जिन एक कंकाल की तरह जो लोग हैं वो भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं अपने बर्तन बेच रहे हैं मजबूरी में ताकि वो अपने घर पे बैठकर खाना खा सकें अपनी भूख को दूर कर सकें इतनी ज़्यादा उनको वहाँ पर कलाहांडी में लोगों को परेशानी हो रही है The very name kala has become synonymous with hunger famine poverty starvation and misery kala handi ka naam hi, bhook, soka padjana, garibi Bukmari bewasi in ek saman arthak ban gaya hai. famished crowds of people can be seen gathering for food in front of charity kitchens बहुत ज्यादा भूख से पीड़ित लोगों की भीड़ ने दान करने वाले रसोई घरों के सामने इन लोगों को काफ़ी भीड़ में देखा जा सकता है यंग गर्ल्स आर सेलिंग देयर ऑनर एंड डिग्निटी टू कीप दैम सेल्वस अलाइफ जो यंग गर्ल्स हैं वो अपने आप को जीवित रखने के लिए खुद की जो ऑनर है और डिग्निटी है उसको सेल करने पे मजबूर हो गई हैं पीपल आर इवन ऑक्शनिंग देअर चिल्ड्रन ओनली इफ दे कुड गेट समथिंग टू ईट यहाँ तक नौबत आ गई है कि लोग अपने बच्चों को ही बेच रहे हैं ताकि उनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ खाने को मिल सके सो so, ऐसी कंडीशन कला हांडी की उस टाइम में हो रही थी क्राउड्स ऑफ पीपल हैव बीन फोर्स टू लीव देयर होम्स एंड हर्ट्स फॉर सेफ्टी फूड एंड शेल्टर तो बहुत सारे लोग हैं जो कि इतने ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं कि वो उनको अपनी सेफ्टी के लिए फ़ूड के लिए रहने के लिए अपने जो घर है वो छोड़ने पड़ रहे हैं दे आर क्रेविंग फॉर हेल्प एंड रिलीफ फूड एंड क्लोदिंग फ्रॉम एनी आउटर एट एनी प्राइज कला के लोग किसी भी तरफ से किसी भी कीमत पर अगर उनको सहायता मिल जाए राहत मिल जाए भोजन और कपड़े मिल जाए उस चीज़ के लिए वो तरस रहे हैं इवन इन सच अ सिचुएशन ऑफ क्लैमिटी एंड डिज़ास्टर देर इज़ नो डर्थ ऑफ़ पीपल हु आर एक्सप्लोइटिंग द सिचुएशन टू देयर पर्सनल एडवांटेजेस इस तरह की मुसीबत और परेशानी के टाइम में भी ऐसे लोग देखने को मिल रहे हैं उनकी कमी नहीं है जो सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं और इन लोगों का शोषण कर रहे हैं कि जहाँ पर उनको अपना फ़ायदा लग रहा है इन इवन इन सच अ सिचुएशन ऑफ क्लैमिटी एंड डिज़ास्टर देर इज़ नो डर्थ ऑफ पीपल हु आर एक्सप्लॉइटिंग द सिचुएशन टू देयर पर्सनल एडवांटेज़ Even in such a situation of calamity and disaster, there is no dearth of people who are exploiting the situation to their personal advantages. सो so, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो गरीबी से लड़ रहे हैं उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है अपना तन ढकने के लिए ढंग के उनके पास कपड़े नहीं हैं वो अपनी लड़कियों को उनके ऑनर को दाव पे लगा रहे हैं अपने बच्चों को वो बेच रहे हैं सो so, ऐसी जो सिचुएशन थी कला हांडी की उस टाइम पे हो चुकी थी बट स्टिल वहाँ पर ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो अपने फ़ायदे के लिए उनकी हेल्प कर रहे थे While political leaders, media magnates, and social upstarts are shedding crocodile tears and issuing hollow statements, the poor continue to suffer and die of hunger and starvation. अब उस टाइम क्या था जो पॉलिटिशियंस uh, थे मीडिया वाले लोग थे और जो ये जो समाज के लिए जो काम करते हैं ये सब लोग सिर्फ क्रोकोडाइल क्रोकोडाइटियस यानी कि नकली आंसू जो है वो बहा रहे थे और उनकी सिर्फ स्टेटमेंट्स uh, चल रही थी खोखली स्टेटमेंट्स uh, चल रही थी और गरीब लोग भूख के साथ मर रहे थे कला हांडी द पोइट सेज हैज़ शेकन दसाइंस ऑफ मैनकाइंड वन इज़ रिमाइंडेड ऑफ विलियम वर्स वर्थ लाइन्स इट गिज़ माई हार्ट टू थिंक वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन यहाँ पर जो पोइट है वो कह रहे हैं कि कला हानि ने लोगों की मैन काइंड की आत्मा को हिलाकर रख दिया है व्यक्ति को विलियम वर्सवर्थ की ये लाइने याद आ रही हैं वर्सवर्थ की ये लाइन्स है ये देख के मेरे मन को होता है कष्ट आदमी ने आदमी का बना दिया है क्या हाल वी टॉक ऑफ प्रोग्रेस prosperity, एंड द मार्च into the द ट्वेंटी फ़र्स्ट सेंचुरी बट डज़ आर कंसाइंस नोट प्रिक अस हम लोग तरक्की खुशहाली और 21st फर्स्ट सेंचुरी की तरफ जाने की बात करते हैं पर क्या हमारी अंतर आत्मा हमें इस चीज़ के लिए नहीं खोजती जो कलाहांडी में हो रहा है We talk of progress, prosperity, and the march into the 21st century. Kalahandi is only a symbolic place. It calls upon mankind to listen to the voice of the conscience and rise to the occasion to help wherever one finds a fellow being in distress. It means, Kalahandi is a manav jati place. आवाज़ दे रहा है कि लोग अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुने और जहाँ पर भी अपने साथी मनुष्य को लोगों को परेशानी में देखें उसकी हेल्प करें द ट्रेजिडी एंड पेन ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स लाइक फैमिन एंड ड्रॉड कैन बी लेसन टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट इफ मैन मैं टू बी कैलस क्रिल एंड इनडिफरेंट टू द नीड्स ऑफ हिस्स फैलो ह्यूमस प्राकृतिक परेशानियाँ जैसे कि सूखा पड़ जाना ऐसी जो परेशानियाँ आई हैं उस परेशानी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है अगर मनुष्य अपने साथी मनुष्य के प्रति कठोर निर्दयी और इनडिफ्रेंस व्यवहार जो है वो छोड़ दें इन केस मैन डजेंट लिसन टू दिस कॉल ऑफ द कंसाइंस द वर्ल्ड इज श्योरली इन फॉर ग्रेटर डिजास्टर ब्लड शेड एंड हैवक अगर लोग अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे नहीं सुनना चाहते हैं तो निश्चित रूप में जो लोग है जो दुनिया है वो बहुत बड़ी मुसीबत में खून खराबे की तरफ और तबाही की तरफ चली जाएगी अगर उनकी कोई भी इस प्रॉब्लम को नहीं समझेगा वी कैन प्राउडली बोस्ट ऑफ मॉडर्निटी एंड प्रोग्रेस ओनली इफ़ वी लिसन टू द कॉल ऑफ आर कंसाइंस एंड डू समथिंग फॉर आर सफरिंग ब्रैदन हम प्राउड के साथ बोस्ट कर सकते हैं अपनी मॉडर्निटी और जो हम तरक्की कर सकते हैं अगर हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ सुने और जो लोग कष्ट में हैं उनकी हेल्प कर सकें तो ये थी हमारी पोइम की समरी कला हांडी जिसमें हम देख रहे हैं कि लोगों ने उस टाइम में बहुत ज़्यादा सफ़र किया और कितनी पिटिएबल कंडीशन थी कला हांडी के लोगों की आई होप आपको पोइम समझ